वैसे तो हिना शाह बिहार की राजनीति में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी जो दर्शक हिना के बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये अपने जमाने में कुख्यात बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की पत्नी हैं। शहाबुद्दीन की राजनीति के बारे में आगे बताएंगे, पहले देखिए कैसे चल रही है हिना शाह की सियासत। हिना शाह ने आज सिवान में अपना नामांकन दाखिल किया। और ये जुलूस उसी नामांकन का है। देखिए कैसे जुलूस में शामिल लोग, चाहे महिला हो पुरुष हो, किसी के गले में पीला गमछा है तो किसी के सर पर पीले रंग की पगड़ी। और ये पीला रंग ही सिवान की सियासत और हिना शहाब की राजनीति को सुर्खियों में ले आया है। पिछले कई दिन से हिना शहाब जहां भी प्रचार के लिए जा रही हैं, इसी तरह के पीला और भगवा रंग के गमछे में उनके समर्थक उनके साथ घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, दो दिन पहले जब वो सिवान में प्रचार करने निकली तो बाकायदा लाल चुनरी ओढ़ाकर उनका स्वागत किया गया। चुनरी वाली तस्वीर सिवान से लेकर पटना और दिल्ली तक वायरल है। अब आज हिना शहाब कह रही हैं सिवान की सेवा के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। जी, मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है सिवान संसदीय क्षेत्र 18 से। मैं सिवान की जनता के लिए सेवा भाव से आई हूँ। मैं सिवान को आगे बढ़ाऊंगी, सिवान परिवार की सदैव सेवा में रहूंगी। बिहार में जब लालू राबड़ी का जमाना था तब यहाँ की सियासत में हिना के पति शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था, लेकिन इस बार हिना शहाब ने लालू की पार्टी से दूरी बना ली। पहला मौका है जब हिना शहाब निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रही है। 1996 से 2009 तक शहाबुद्दीन इस सीट से सांसद रहे। शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद 2009 में हिना शहाब चुनाव हार गयी। 2014 और 19 के चुनाव में भी हिना आरजेडी से चुनाव हारी। कहा जा रहा है कि हिना को आरजेडी की तरफ से लड़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की भी चर्चा है कि हिना को इस बात की आशंका थी कि आरजेडी के ठप्पे लगने से उनके गैर यादव और गैर मुसलमान वोट नहीं आ पाते, जिससे वो हार जाती है। इस बार का सियासी समीकरण सिवान में उलझा हुआ है। हिना शहाब उसी का फायदा लेने के लिए निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। जेडीयू से विजयलक्ष्मी कुशवाहा उम्मीदवार हैं, जबकि आरजेडी से पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी। इन दोनों की लड़ाई को निर्दलीय लड़कर त्रिकोणीय बना रही हैं हिना शहाब। जेडीयू उम्मीदवार विजयलक्ष्मी कुशवाहा के पति रमेश कुशवाहा का इतिहास वामपंथी विचारधारा वाला रहा है और सिवान के सियासत में वामपंथ और गैर वामपंथ की लड़ाई 90 के दशक से चली आ रही है। ऐसे में हिना शहाब के रणनीतिकारों को ये लगता है कि एनडीए का कोर वोटर जो नक्सलवाद का शिकार रहा है उसका समर्थन इस बार उन्हें मिलेगा। और राजनीतिक जानकार मानते हैं यही वजह है कि प्रचार में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना न सिर्फ भगवा और पीले रंग के गमछे को प्रमुखता से प्रचारित कर रही हैं, बल्कि संदेश दे रही हैं कि उनके लिए हर रंग का झंडा बराबर है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं इसलिए नहीं जाती हूँ पार्टी पॉलिटिक्स का प्रचार के लिए, मैं लोगों के बीच जाती हूँ हाल चाल जानने, दुख सुख शेयर करने। मैं तो कभी भी सिवान में जब भी निकली हूँ मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ एक शब्द नहीं बोली हूँ। झंडा लाल हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि एक एक बंदा जो है सिवान का वो मेरा अपना है। हिना शहाब के पति शहाबुद्दीन की गिनती बिहार के सबसे बड़े बाहुबलियों में होती थी। साल 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद शहाबुद्दीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 2005 में हुई गिरफ्तारी के बाद 2016 के महज कुछ दिन को छोड़ दें तो शहाबुद्दीन की जिंदगी जेल में ही बीती। जेल में ही शहाबुद्दीन की मौत भी हुई। शहाबुद्दीन की गैर मौजूदगी में यह पहला लोकसभा चुनाव सिवान में हो रहा है और सिवान से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, जिससे बेहद रोचक मुकाबला हो गया है।
किसकी किस्मत खुलेगी और कौन हारेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सिवान की सियासत में नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं।